हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता। आज मैं शेयर करने वाली हूं चार ऐसी होम रेमेडीज जो हमारे स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट को, डार्कनेस को, यानी कि किसी भी तरह के पिगमेंटेशन को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और साथ ही हमारे स्किन को हाइड्रेट रखेगा, स्मूथ रखेगा और हमारे स्किन को एक हेल्दी स्किन देगा। हमारे स्किन को ब्राइट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर स्किन का ग्लो छुप गया है तो भी आप इस पैक को आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ग्लो वापस आ जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे कि ये हमारा स्किन है। अगर मेरी बताई हुई रेमेडीज को आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ्रेश आलू, जिसे मैं ऑलरेडी क्लीन करके रखी हूँ। आप देख सकते हैं आलू किचन में इजली मिल जाता है। इस आलू को दो टुकड़ों में कट कर लेना है, इस तरह से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं छोटी टुकड़ों में, ये कांटे वाले स्पून के हेल्प से इसमें हमें होल करना है। इस तरह से होल करना है। होल करने के बाद हमें चाहिए हनी, डाबर का हनी मैं ली हूँ। और इस तरह से रब करते हुए आप जहाँ जहाँ डार्कनेस है वहाँ वहाँ रब करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से रब करना है। आलू और हनी हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे डार्क स्पॉट को रिमूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और हमारे स्किन को स्मूथ रखेगा और एक हेल्दी स्किन देगा। आपको बार बार होल करना है ताकि आलू का जो जूस है बाहर निकले, और अच्छे से रब करना है 4 से 5 मिनट के लिए। मैं 4 से 5 मिनट के लिए रब कर ली आलू और हनी के जूस को। अब मैं इस पैक को उतारूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारी स्किन जो है कितना स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हो और ये मैं हैंकी भिगो करके रखी हूँ, इसे क्लीन करूंगी। दूसरी पैक जो हमें बनानी है उसके लिए हमें चाहिए पका हुआ टमाटो। आप देख सकते हैं एकदम रेड होना चाहिए और इसे भी दो टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेना है और एक हिस्से को रख देना है और एक हिस्से को ले लेना है। और इस पे हमें डालना है कॉफ़ी। मैं वाइट कॉफ़ी ली हूँ, आपके पास जो कॉफ़ी है वो ले सकते हैं। और इसे भी करना है रब 4 से 5 मिनट के लिए हल्की हाथों से। कॉफ़ी और टमाटो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। टमाटो जो है हमारे डार्क स्पॉट को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो मैं कॉफ़ी डाली हूँ वो हमारे स्किन को फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, हमारे स्किन को ब्राइट भी करेगा। इसे भी इस तरह से होल करके और 4 से 5 मिनट के लिए रब करना है। और इसे ड्राई होने देना है 4 से 5 मिनट के लिए। Thank you.
हॉट पैक बनाने के लिए हमें चाहिए बीटरूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर को भी थोड़े से पीस काट लेना है, भी ऐसे होल कर देना है ताकि इसके जूस अच्छे से बाहर निकल जाए। और इस पे डालना है थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ते हैं आप, और इसे भी ऐसे रब करना है। चुकंदर जो है हमारे स्किन को गोरा करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं मैं लगा करके इसे बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छे से रब करना है, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है वहाँ वहाँ अच्छे से एकदम रब करना है आपको हल्की हाथों से 4 से 5 मिनट के लिए। लगे कि जूस खत्म हो गया है तो आपको इस तरह से होल करना है और फिर से इसे अप्लाई करना है इस तरह से। स्किन पे डार्क स्पॉट ज्यादा है तो आप लेमन के 4 से 5 बूंदे डाल लें। ऑरेंज में पाए जाने वाले विटामिन सी हमारे स्किन को क्लियर करने में और डार्क स्पॉट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, तो आप ऑरेंज के छिलके का भी इस्तेमाल करके अपने डार्क स्पॉट को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपके स्किन पे भी डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इस पैक को जरूर से जरूर ट्राई करें। बेस्ट ऑप्शन है डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको देखने को बार बार मिले। फिर मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।